ओम पीपल्स में आपका स्वागत है। हम खड़े हुए हैं डोंगरी पुलिस स्टेशन में, जहां डोंगरी और जे जे डिवीज़न के एसीपी श्री धर्म अधिकारी जी ने पुलिस को एक बहुत अच्छे से संबोधित किया, और हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने जो ये एक प्रोग्राम रखा है, ये प्रोग्राम आगे भी चलता रहेगा क्या? ये हमने जनवरी से चालू किया हुआ है। ये दो पुलिस स्टेशन है हमारे अंडर, एक जेजे और डोगरी पुलिस स्टेशन। कभी भी कंपटीशन और हेल्दी कंपटीशन रहा तो एक अच्छा काम निकलता है। हमें अपने ऑफिसर से अच्छा काम करवाना चाहते हैं। हमारे हर एक ऑफिसर कैपेबल है अच्छा काम देने के लिए, सिर्फ उनको एक डायरेक्शन और एक मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। वो मोटिवेशन डायरेक्शन देने का काम ये हर महीने हम लोग यहाँ पे इकट्ठा होते हैं। ये अभी हमारा थर्ड टाइम हो रहा है, ये जिसको हम लोग मंथली बेसिस पे रिवॉर्ड देते हैं। जो जिसने एक महीने में अच्छा काम किया वो ऑफिसर को, और वो हम एक ऑफिसर और एक स्टाफ को रिवॉर्ड देते हैं, और उसका इम्पैक्ट हमने देखा हुआ है। लास्ट जनवरी फरवरी में आप देखेंगे तो दोनों पुलिस स्टेशन ने काफ़ी अच्छा काम किया है। जहाँ तक ड्रग्स का सवाल है, हमने कम से कम 60% से ज़्यादा ड्रग्स को कंट्रोल में लाया हुआ है, और भी उसमें अच्छा काम करने की ज़रूरत है। वो डेफिनेटली अगले दो तीन महीने में हम लोग उसको पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। सर, जैसे कि नाइजीरियन आज के टाइम में बिल्कुल यहाँ पे पूरी तरह हावी हुए हैं वाड़ी बंदर पे, जो डोंगरी एरिए में आता है, उसके बारे में सर क्या कार्रवाई आप कुछ उसमें आपने देखा होगा कि एक चार महीने पहले का नज़ारा और अभी का नज़ारे में काफ़ी फ़र्क पड़ गया। हमने केसेस किया, उनको अरेस्ट किया हुआ है। इससे पहले नाइजीरियन ड्रग्स पेडलर का अरेस्ट का परसेंटेज या प्रमाण बहुत कम था, लेकिन लास्ट कुछ महीनों में डेफिनेटली ये बढ़ गया है। उनको अरेस्ट किया, उनके ऊपर कड़क कार्रवाई की है। अभी आप देखेंगे तो वो जो जितना पैमाने पे था उतने तो नहीं है, जो छोटे मोटे बचे हुए हैं उनके ऊपर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, आपको ऐसा लगता है कि ऊपर से भी कुछ इससे ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, हमारे लेवल पर हम लोग कर रहे हैं, हमारे लेवल पर सफिशेंट है। हम लोग वी आर कैपेबल, इसको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कैपेबल है, और हम लोग कर लेंगे, करके दिखाएंगे इसको। बॉम्बे जैसे बात करें बहुत। अभी हम बात करेंगे जे पुलिस स्टेशन के सीनियर PI गायकवाड़ साहब से। गायकवाड़ साहब, आप क्या कहेंगे? हमारे एसीपी साहब ने जो सब स्टाफ को एक मोटिवेशन दिया है, उनमें एक जोश भरा है। हर एक आदमी अपने अपनी काबिलियत होती है, लेकिन काबिलियत को पहचान के उसको कार्यरत करना, उसके ऊपर नज़र डालने का काम हमारे साहब ने किया। साहब ने सिर्फ उनको मोटिवेट किया, भैया हमें काम करना है, बस हमने उनके कहने के ऊपर, उनके आदेश के ऊपर हमने हमारे स्टाफ को एक्टिवेट किया, भाई आपको काम करना है, डोंगरी के आगे हमें जाना है। डोंगरी और हमारे में कॉम्पिटिशन हो रही है, हेल्दी कॉम्पिटिशन हो रही है। उन्होंने 4 केस ओपन किया तो मैंने 6 केस ओपन किया, उन्होंने 5 किया तो मैंने 7 किया। ऐसा हम डोंगरी और जे पुलिस स्टेशन के बीच में कॉम्पिटिशन छिड़ा हुआ। काम अच्छे काम करने के लिए हमने एक दूसरे के साथ हमने कॉम्पिटिशन किया है, और उसमें हमारा ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आ रहा है। और ये 3 महीने में बहुत फर्क पड़ा है। नाइजर का हम नामोनिशान मिटाने वाले, पूरा मिटाने वाले। डोंगरी जेजे में जो एक धब्बा लग चुका है एक पुराने ज़माने से, वो हम पूरा मिटा के जाएंगे, और ये हम सब हमारे एसीपी साहब के अंडर काम करते हुए इसको हम मिटा देंगे। इसमें हमें कोई हमें उसमें शंका नहीं है। गायकवाड़ साहब, अभी आप बागलीकर साहब जो हैं उनसे आप आगे चल रहे हैं? पक्का आगे 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 चलेंगे, थोड़ा पीछे है, लेकिन अभी अगले महीने आगे जाएंगे। बॉम्बे से बात करने का बहुत शुक्रिया। बात करेंगे हम जेजे के डोंगरी के सीनियर PI गायकवाड़ बागलीकर साहब। हाँ, मैं आगे चालू करता हूँ। साहब ने बताया कि एक पहले मिडा स्टेज आपने सुना होगा, तो एक अलग आदमी मिलने की वजह से परफॉर्मेंस में बहुत फर्क पड़ता है। मैं पहले बता दूँ कि कुछ महीने पहले जब मैं यहाँ आया था तो ये मेनस था, और फिर हमने केवल बंद किया था, टोटली बंद हो गया था, मगर अरेस्ट का एक्सटेंड बिल्कुल नहीं था। और ये साल एक पहले हमने 3-4 महीने पहले बहुत बड़ी कार्रवाई में एक ही नाइजीरियन अरेस्ट किया, और उस टाइम ऐसा लगा नहीं था कि ये बहुत बड़े की शुरुआत है, मगर वो शुरुआत हो गई, और अभी तक हमने पॉजिटिव चेक किया है। तो बंद करना आसान था, मगर विथ अरेस्ट विथ सीजर वो बंद कर दिया है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है, और लोग भी उसके अप्रिशिएट करते हैं, और फील्ड में भी हमारा काम अच्छा चल रहा है। बागडीकर साहब, जैसे यहाँ के सोशल वर्कर हैं, उसका आपको कैसे, आपको समर्थन किस तरह का मिल रहा है? अब काफ़ी अच्छा, आप सबको मालूम है, वो आगाड़ी में अच्छे संभालता हूँ। ओके, बॉम्बे वाले से बात करें, शुक्रिया। इस वक्त हम खड़े हुए हैं डोंगरी पुलिस स्टेशन में, जहाँ हमारे साथ में क्राइम PI कामले साहब हमारे साथ में है। कामले साहब, जैसे कि अभी ACP साहब ने एक पूरी पुलिस की टीम को एक संबोधित किया, तो ये इस बारे में आप क्या बताएंगे? पुलिस में, हमारे पुलिस स्टेशन में, JJMR पुलिस स्टेशन, डोंगरी पुलिस स्टेशन में जो भी अच्छा काम कर रहा है
उसके लिए ये प्रेरणा है, एक उसका रिकॉग्निशन है, उसका काउंटेड हो रहा है, काउंटिंग हो रहा है कि जो आदमी अच्छा, जो पुलिस अच्छा काम कर रहा है तो उसका जो नाम है वो नाम ऊपर आ रहा है और उसको ये प्रेरणा मिल रही है। अभी रिसेंटली जो डोंगरी का ड्रग के नाम, ड्रग के साथ जो नाम जुड़ा हुआ है ये बहुत अंश ये कम हो गया है, पब्लिक भी देख रही है। पहले जो नीचे पटरी में जो निगरो वगैरह लोग थे, ये अभी आप जाएंगे तो पूरा फैनिश हो गए, मतलब जो फिनिश तो नहीं हुआ सर, कम हुआ है, फैनिश हो गए, मतलब फिनिश अभी कम हो गए, एकदम कम हो गए। और उसके ऊपर जो हमारी मुहिम है वो मुहिम हमें लगातार चालू करने रखने वाले है और हम डोंगरी के सेवा करने वाले है और ये हमको ये कार्यक्रम से प्रेरणा मिल रही है। ये सर जैसे नाइजीरियन लोगों को भगाने के लिए इसमें आरपीएफ का आपको किसी तरह का समर्थन मिल रहा है? हमको आरपीएफ का समर्थन मिल रहा है, भाईकाला पुलिस स्टेशन, सेंट्रल रेलवे, सीएसटी पुलिस, ये सबका हमको सहयोग मिल रहा है और हम मिल के भी काम कर रहे हैं। बॉम्बे प्रेस से बात करें, धन्यवाद सर। बॉम्बे प्रेस से बात करें, धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू जी सर। आप एपीआई प्रकाश, हाँ अभी हम बात करेंगे डोंगरी के एपीआई लिंगे साहब से। जी लिंगे साहब, जैसे कि अभी आपने एसीपी साहब की स्पीच सुनी, वो सुनने के बाद में आपको कैसा फील हुआ? एसीपी साहब की बात सुनने से एक्चुअली बहुत प्राउड फील हुआ, क्योंकि एक्चुअली उन्होंने मुझे मॉरल बूस्टअप करने के लिए या आगे ऐसा चल के काम करने के लिए बहुत ही मुझे आगे करियर के लिए काम आएगा। एक्चुअली जब मुझे 7 महीने हो गए डोंगरी में आके, डोंगरी में पहले ये नाइजीरियन नागरिक है जो ड्रग पेडलर है, उनका बहुत मिनास था ये रेलवे ट्रैक में। तो एसिफ साहब कई बार खुद हमारे साथ आए, नीचे आए, उनका एक्चुअली उनका एज के कारण ज़्यादा एज है रेलवे ट्रैक में चलना मिलना, और वो भी नाइट के टाइम में डिफिकल्ट है, फिर भी उन्होंने खुद आगे चल के लीडिंग करके जो भी हमको मोटिवेट किया, उन्होंने सेल्फ इतना एक्टिव पार्टिसिपेट करके, फिर जैसे भी उनके कहने से या जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती थी वो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हमने जो भी वर्कआउट किया तो वो उसका हमको फल मिला। और तकरीबन मैंने मेरे टीम के साथ अब तक 8 नाइजीरियन को पकड़ा है और उनके खिलाफ पोजीशन के केसेस बनाए हैं, और वो फिलहाल अभी सब 8 के 8 अभी अंदर है। यहाँ आपको पब्लिक का समर्थन किस तरह का मिलता है? जब भी हम जाएंगे पब्लिक का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है जहाँ भी जाएंगे, क्योंकि पब्लिक मैक्सिमम जो भी है पब्लिक वो तो पुलिस के फेवर में है, क्योंकि उनको भी उनके घर वाले जो भी बर्बाद हो रहे हैं, जो भी जनरेशन उनको तो रोकने के लिए पुलिस को वो सपोर्ट करने के लिए कभी भी तैयार है वो। बॉम्बे प्रेस से बात करने के लिए थैंक यू।